अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन बाय टेंस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई नंबर है, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा नंबर. ठीक है, ये डेसिमल नंबर है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप कैसे करोगे? बाय टेंस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड, सेकेंड वाले का निकाल लो टेंस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो 155 टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? पहले नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसमें ऐड कर दो 1. ठीक है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? जितनी भी डिजिट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो 9 से. तो यहाँ 3 डिजिट्स हैं, तो 9 9 9 3 डिजिट हो गए. तो इसको सारे नंबर्स को, जितने भी डिजिट्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दो 9 से. ठीक है, ये नंबर था तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया 448. ये नंबर आ गया, ये हो गया आपका 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर. अब इसमें ऐड कर दो 1, तो बन जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तुम्हारे पास आया 844 में ऐड कर दो 1, तो ये हो गया 845. ठीक है, अब ये आ गया 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर. ठीक है, तो 845 आ गया. अब उसमें क्या करो, पहले नंबर में, ये वाले पहले नंबर में उसको कर दो ऐड 845 को. तो क्या आया, 10 6 10. ठीक है, अब देखो कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 3 है, तो आंसर में भी 3 डिजिट्स होनी चाहिए. तो 1 2 3 हो गए, ये नंबर हो गया हमारे पास. ये जो एक्स्ट्रा बचा ये हो गया कैरी, कैरी को कर दो आप ड्रॉप. ठीक है, तो अब जो ये नंबर हुआ, अगर हमारे पास कैरी बचता है लास्ट में, तो जो नंबर हमारे पास आया ये हमारा फाइनल आंसर होगा. ठीक है, और ये नंबर पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो आंसर आ गया 60. ठीक है, पॉजिटिव नंबर. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई नंबर है, अगर हमें ऐसे करना है सब्ट्रैक्शन, छोटे नंबर में से बड़ा माइनस करना है, तो क्या करोगे? ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकेंड ये हो गया. अब सेकेंड नंबर का निकाल लो 2's कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो सेकेंड नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? इसे 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे सारी डिजिट्स को, तो ये आ गया ये नंबर, और इसमें ऐड कर दोगे 1, तो आ जाएगा 785. ठीक है, 785 आ गया. अब क्या करो, पहले नंबर में इसको ऐड कर दो 785 को. तो 10 9 10 11 12 13 14 31 8 9 940 आ गया. ठीक है, अब क्या करना है? अब देखो यहाँ कोई कैरी नहीं बच रहा है, अभी कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो राइट साइड से 3 डिजिट्स देख लो, 1 2 3 आ गई. अब यहाँ पर हमारे पास कोई कैरी नहीं बच रहा, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो ये नंबर आया इसका निकाल लो 10th कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो हमें 940 का क्या निकालना है, 10th कॉम्प्लीमेंट. तो पहले 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो ये आ गया 59, और उसमें ऐड कर दो 1. ठीक है, पहले हमने 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसमें ऐड कर दिया 1, तो ये आ गया 60. अब जो ये नंबर आया हमारे पास, ये जो नंबर होगा विद अ नेगेटिव साइन होगा. ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, -60. ठीक है, तो ये नंबर नेगेटिव नंबर होगा, ये आंसर आ गया. ठीक है, डेसिमल नंबर है. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है 215.1. ठीक है, ये नंबर है, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है बाय 10th कॉम्प्लीमेंट. तो कैसे करोगे? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर का निकाल लो 10th कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो इसका 10th कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सारी डिजिट्स को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो और उसमें ऐड कर दो 1. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास नंबर. ठीक है, इसमें ऐड कर दो 1, ये आ गया. अब आ गया हमारे पास ये नंबर. अब इसको क्या करो, पहले नंबर में इसको ऐड कर दो, इस नंबर को जो हमारे पास आया 844.9. ठीक है, अब 9 + 2 = 11, कैरी 1 10 6 10, ये नंबर आ गया. ठीक है, अब डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, राइट साइड से 4 डिजिट्स देखो, 1 2 3 4, ये नंबर आ गया हमारे पास. और रिमेनिंग जो है ये रह गया, ये है कैरी. अब इस कैरी को कर दो ड्रॉप. ठीक है, और जो ये नंबर आ गया हमारे पास फाइनल आंसर होगा, और ये पॉजिटिव नंबर होगा. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 60.1. ठीक है, और ये पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, तो ये था सब्ट्रैक्शन बाय टेंस कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू.